मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री थवानी। मेरा उल्लास यानी मेरा, आपका, हम सबका शहर उल्लासनगर। आइए देखते हैं क्या इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर की आम जनता के प्रति बिजली विभाग की मनमानी और तानाशाही दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। आइए लेते हैं इसका जायजा। पिछले दिनों साईं पार्टी गंगा जल फ्रंट ने विद्युत विभाग की मनमानी और लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भव्य आंदोलन किया था, जिस पर आत्मसमर्पण करते हुए बिजली विभाग ने आश्वासन दिया था कि किसी भी तरह बिजली के संबंध में सभी उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसमें अभी काफ़ी सुस्ती चल रही है। इस बीच एक और वाक्या उल्लासनगर एक स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में हुआ है, जब एक महिला विनीता शिवनानी ने यह शिकायत की कि उन्हें बिजली का बिल कई रकम ज़्यादा गुना बढ़ा कर भेजा गया है, जिस पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई और यह मामला पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। यह भी सुना जाता है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनसे अपने कृत्य पर माफ़ी मांग ली है, लेकिन साईं पार्टी गंगा जल फ्रंट के सदस्यों ने उग्र रूप धारण कर लिया है। उनका कहना है कि अगर बिजली विभाग इस तरह तानाशाही बरतता रहेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। 9 महीने से मीटर हमारा बंद था, लाइट का बिल आया था, हमने बोला लाइट का बिल इतना क्यों आया है, लाइट कट करने के लिए आते थे, हमने बोला मीटर का बिल इतना क्यों आ रहा है, तो ऊपर से वो लोग ने क्या किया, नया मीटर दिया नहीं, हमारा अमाउंट ऐसे ही बढ़ाते 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 गए, और हम मीटर की मांग कर रहे थे, मीटर की मांग कर रहे थे, मीटर की मांग कर रहे थे, मीटर नहीं दिया, मीटर नहीं दिया। उसके बाद में हमारे को बाद में 2-3 बार ऑफिसर में बुलाया, ऑफिस में बुलाया, 2-3 बार बुला बुला के परेशान किया, रोज बोलते थे देते हो मीटर, देते हैं मीटर, मीटर देते हैं, साहब लोगों से बात करके गई, सबसे बात करके गई। अभी क्या हुआ, अभी आप बोल रहे हैं अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के मेरे को और मार पीट किया, सब मेरे को मारा, अंदर जबरदस्ती किया, ये फुटेज है मेरे पास, और बाद में बोलते पुलिस को बुला के इतने ताला मारा, पैर से ताला मार के बाद में बोलते ज्यादा बरबर करेंगे, राज तेरे को मारूंगा, और मैं खुद कार्यकर्ता हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, मेरे को इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं। आपको रूम में लॉक कर दिया गया था? हां, रूम में लॉक कर दिया मेरे को अंदर, और धमकी देते हैं बाहर बाहर करने के लिए। किसने लॉक किया? ये इतने लॉक ले, आखिर में अपने बचाने के लिए दरवाजा खोला। आप पे हाथ किसने उठाया? क्या समझाया हमको? आप पे हाथ किसने उठाया? अंदर वो जो लाइट वाला है, लाल चश्मे वाला, उसने ऐसा धक्का मारा मेरे को। उसका नाम क्या है? दरवाजे का नाम पूछे नहीं, मारो दरवाजे को लॉक किया। उसका फुटेज है आपके पास? हाँ है ना फुटेज, मेरे पास सब कुछ है। अप्रैल का वाटी लाइट और मीटर ये रीडिंग में मुकले, बिना मीटर है भाई, बिना मीटर
बिना मीटर मीटर बंदा मीटर बंदा हाँ ये रीडिंग में मोकल यारह हजार बिल पे हो जाए हर महीने में हाँ उन्हें पो मैं कंप्लेन कई मई में अची करे तो चीं मीटर कान्हे जैसे मीटर इंदो असा कंदासी वही करे कुछ जो करणो होंदो उनका छह महीने का मीटर आ गया नवंबर में मीटर लगाए नवंबर में मीटर लगाने का यारह से मीटर लगो टे यारह टे सौ अठासी आई रीडिंग टे सौ अठासी का भी चार सौ वी यूनिट चे तो एवरेज लगे मोकल तक आज हम लोग उल्लासनगर एक की पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हमारी बहन विनीता लालवानी विनीता शिवनानी के साथ में आज एमएससीबी लाइट ऑफिस एक नंबर में बहुत ही बदसलूकी की गई, काफ़ी सारा हंगामा हुआ और उन्होंने हम लोग ये पूरा मुद्दा यहाँ पे एक नंबर पुलिस स्टेशन में लेके आए और हमारी पूरी साईं पार्टी यहाँ पे आ गई। हमारे साथ में हमारे सुनील गंगवानी जी, राजपूत साहब, किशन और पूरी टीम है और हम लोगों ने उनके साथ में पूरा जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन है वो सामने रखे जिसका वो लोग जवाब नहीं दे पाए। इनके पास में जो भी आदमी जाता है उनके साथ दादागिरी करते हैं ये लोग और उसका पूरा आज हम लोगों ने मंजर देखा है। ऐसे लग रहा है कि अभी एमएससीबी उल्लासनगर के लाइट ऑफिस के बुरे दिन चालू हो गए हैं और मैं साईं पार्टी की तरफ से पूरी जनता को ये बोलूँगा कि जिसको भी जो तकलीफ़ है हमारी साईं पार्टी को आके बताएं। हमारी ऑफिस जो है चोपरा कोर्ट के इधर है, आप जिनको भी जो भी तकलीफ़ है हमारे साथ जुड़ें और इनको हम लोग जो भी इनकी अत्याचार है उनका मुँह तोड़ जवाब देंगे। जय गंगा जल। आज हमारे एक नंबर एमएससीबी ऑफिस में हमारी उल्लासनगर की नागरिक विनीता सुलानी जी गई थी और उनके साथ कुछ बदतमीजी की गई। इसके लिए हम लोग साईं पार्टी वाले लोग एक नंबर पुलिस स्टेशन में आए और एमसीबी अधिकारी लोग का विरोध किए कि कम से कम कोई लेडीज़ भी जा रही है उसके साथ बदतमीजी न किया जाए, नहीं तो हमारी साईं पार्टी एक जोरदार आंदोलन करेगी और सारे एमसीबी अधिकारी लोग को बताया जाएगा कि किसी भी महिला के साथ गलत काम किया नहीं जाए। हाँ, कोई भी जा रहा है तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, आप उसको सुनिए, कुछ तकलीफ़ है उसको मदद कीजिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये गलत है, इसका साईं पार्टी पूरा विरोध करती है और अगर ऐसा ही चलते रहा तो आगे हम लोग को फिर से एक आंदोलन करना पड़ेगा। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे शहर में और आसपास के उपनगरों में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है और तापमान लगातार नीचे जा रहा है, तो सर्दियों में किस तरह अपने शरीर की देखभाल करें इस बारे में हमने मुलाकात की फिजियो रेस की डॉक्टर किरण मोटवानी जी से। मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ अक्सर दो बातों पर विशेष गौर करता है, एक तो हमारे सिंधी समाज, सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति और सिंधी साहित्य को बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है हम उनसे रूबरू आपको करवाते हैं, और साथ ही साथ हेल्थ के प्रति आप कैसे जागरूक रहें, कैसे स्वस्थ रह सकें, इसके लिए हम हमारे शहर के प्रमुख डॉक्टरों से बात करते हैं। तो आजकल पारा एकदम गिर रहा है और सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों को अपने शरीर की देखभाल किस तरह करनी चाहिए इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण मोटवानी, जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं शहर की और फिजियोरेस इनका क्लिनिक है। हाँ किरण जी बताइए। जैसे कि देखा गया है कि ठंडी का मौसम चालू हो चुका है, कई सारी हड्डियों की बीमारियां अभी हमें देखने के लिए मिलती हैं, स्पेशली लोग पेन क्लिनिक जाने की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय में सबसे पहले प्रिकॉशन उल्लासनगर के लिए ये मैं बोलना चाहूँगी कि टाइम टेबल उन्हें अपना मेंटेन करना चाहिए। उल्लासनगर में हमेशा देखा जाए कि यहाँ का एक ट्रेंड है कि आप लेट सो जाओ और लेट उठो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टाइम टेबल के चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खाने पीने में हमें गर्म चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मेथी दाना बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, तो ये सब उपयोग करने से भी काफ़ी प्रिकॉशनरी टर्म्स बैलेंस हो जाते हैं। और मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ऑफ 30 मिनट्स भी काफ़ी हेल्प करेगा लोगों को पेन मैनेज करने में ठंडियों के मौसम में। किरण जी, मैंने ऐसा सुना कि आपको एक साल हो गया है जो आपने यहाँ हमारे शहर में फिजियोरेस क्लिनिक बनाया है, तो इन 365 डेज में, इन पूरे साल में आपने कितने पेशेंट्स को क्योर किया है? ये 365 डेज में मोर देन 1000 पेशेंट्स
सक्सेसफुली क्योर्ड हुए हैं। जो 100% क्योर हुए हैं वो है मोर देन 1000 पेशेंट्स। तो इतनी कैसे, आपने कहीं पब्लिसिटी की या लोग माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं? मेरे पास हमेशा से ही लोग माउथ पब्लिसिटी के वजह से आए। जैसे कि एक का पेन ठीक होता था तो वो कहीं और लोगों को बताते थे। मैंने कोई पब्लिसिटी इसके लिए नहीं की है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह आपने बोला कि उल्लासनगर के लोग देर से उठते हैं और देर से सोते हैं, तो उनकी दिनचर्या, उनका टाइम टेबल चेंज होना चाहिए, तो आपकी नज़र में आजकल जो सीज़न चल रहा है, हालांकि आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ठंड भी बहुत पहले आ गई है, जैसे बारिश भी काफ़ी पहले, तो ऐसे समय में लोगों को किस तरह देखभाल करनी चाहिए अपने शरीर की, खास करके हड्डियों के मामले में, क्योंकि उसके स्पेशलिस्ट आप हैं, किस तरीके के रोग पनपते हैं और किस तरह क्योर होते हैं? मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पे, अगर हम अपने सोसाइटी की बात करते हैं, अपने कम्युनिटी की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो नी पेन के आते हैं। घुटनों का दर्द, रीढ़ के पीठ का दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। उल्लासनगर में आज अगर मैं देखती हूँ तो मैक्सिमम केसेस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के हैं, जो 16 साल से लेके मैं 65-70 ईयर्स के लोगों तक देख रही हूँ। इस समय में मैं ये सलाह देती हूँ कि पेन किलर्स लेने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने टेंडेंसी देखी है कि यहाँ पे लोग पेन किलर्स ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि पेन किलर्स लेने से वो अपना पेन को दबा रहे हैं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उनको हेल्प करती है वो जड़ से पेन निकालने में, और फिर से वो कभी उन्हें वापस तकलीफ ना हो उस चीज़ों में उन्हें हेल्प करने के लिए। देखिए, सर्वाइकल स्पेंडलाइजिस के लिए या स्पेशली फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो लोग मुंबई और पुणे जाते हैं और हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और तब जागते हैं जब डॉक्टर बोलता है कि आपको अब ज़रूरत है कि आप या तो पुणे भागो, फिर एड्रेसेस पते इकट्ठे करते हैं, डॉक्टरों के नंबर पता करते हैं, मुंबई जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। उनको उल्लासनगर में आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से एक उपलब्धि दी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने मतलब अपनी 100% कोशिश की है कि जो चीज़ें वो बॉम्बे या पुणे जाते हैं एड्रेस ढूंढ ढूंढ के कि हम ये जगह पे जाएं या वो जगह पे जाएं, वो सारी टेक्नोलॉजी मैंने वो फिजियोरेज में लाके रखी है। उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आज अगर किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, नी पेन होता है, कोई डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो वो सीधा मेरे पास आ सकते हैं एंड दे कैन गेट ट्रीटेड। तो ये जो चेन है कि एक डॉक्टर के पास गए, फिर एक डॉक्टर ने बोला आप MRI निकालो, एक्सरे निकालो, फिर वो दूसरे स्पेशलिस्ट के पास गए और फिर वो स्पेशलिस्ट उनको मेरे पास भेजता है, तो इससे अच्छा ये है कि वो सीधा मेरे पास आ सकते हैं और वो 100% रिकवर हो सकते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ उल्लासनगर सिटी टू टेक केयर ऑफ देम सेल्स इन दिस विंटर सीजन, एंड इफ दे नीड एनीथिंग दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस इन फिजियोरेस। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। गुरु गुलराज साहब कुटिया में सदगुरु साईं लक्ष्मण दास साहब का 11वां वर्षीय महोत्सव प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया। Thank you.
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर शहर की प्रसिद्ध संस्था सिंधु यूथ सर्कल की तरफ से आगामी 16 दिसंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बतौर मौजूद मेहमान सिंधी कलाकारों, सिंधी साहित्य, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। जय झूलेलाल। तमाम फख्र ऐं खुशी जी ॻाल्हि आहे त सिंधु नगर में जेको असांजो सिंधु यू सर्किल आहे, गुज़िरियल 50 सालनि खां उते वक़्त बे वक़्त सिंधियत लाइ प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि, जंहिंमें सिंधी कलाकारनि खे वजू ॾिनो वेंदो आहे। कलाकार तां पैदा थींदा आहिनि नवां नवां, सिंधियत प्रोग्राम थींदो आहे, जाम अनेक प्रोग्राम थींदा आहिनि, उनजो ज़िक्र करण माना चङो टाइम लॻी वेंदो। ऐं हर आर्तवार ते संगीत जो प्रोग्राम थींदो आहे, जिते कलाकार अची पंहिंजो संगीत पंहिंजो रसो ठाहींदा आहिनि ऐं मौज ॾींदा आहिनि। त हिन वक़्तु ईंदड़ आर्तवार ते 16 तारीख़ सिंधु यू सर्किल में सिंध फ्यूज़न नाले प्रोग्राम आहे, सिंध फ्यूज़न, जंहिंमें असांजा मुख्य महिमान आहिनि केशूमल सखवाणी साहिबु, सिंधु नगर जा MLA, सिंधु नगर जा आमदार MLA मतिलबु, ऐं सिंधु नगर जा मेयर, डिप्यूटी मेयर ऐं सिंधु नगर अॻवान, जंहिंमें सिंधु नगर जे कलाकारनि जो, साहित्यकारनि जो सन्मान कयो वेंदो। त इहो मौक़ो हथा न वञायो, सभिनी खे अर्ज़ु आहे त अचो ऐं सिंधु नगर जो शान वधायो, सिंधु जो सकिलो शान वधायो। अहिड़ा प्रोग्राम तमामु क़िस्मती थींदा आहिनि, इन करे तव्हां सभिनी खे अर्ज़ु आहे त हिन प्रोग्राम में शरीक थी शोभा वधायो। जय झूलेलाल। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हिंदू धर्म में गीता जयंती की बहुत बड़ी महिमा है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। बोले सनातन धर्म की जय, भगवान कृष्ण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गीता मैया की जय। सभी भक्तों को बता दें, बड़ा हर्ष हो रहा है कि भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। 19 दिसंबर बुधवार के दिन गीता जयंती और उसके साथ मोक्षदायक एकादशी का महान पर्व है। इस दिन स्वामी टिवड़ा प्रेम प्रकाश मुला नगर 5 में सुबह को 8 से 9:30 और शाम को 6 से 7:30 तक सत्संग होता होगा, जिसमें स्वामी देव प्रकाश जी महाराज गीता का महात्म सुनाएंगे, अर्थ सुनाएंगे और साथ ही मोक्षदायक एकादशी की महिमा सुनाएंगे। यह व्रत आप सभी रखें, क्योंकि यही जो मोक्षदायक एकादशी है, इस व्रत रखने से आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा। जो नरक में है या पीरा में है, उनकी वो पीरा नष्ट हो जाएंगी, और आपने जो अनजाने में उनकी सेवा नहीं की है, आज्ञा नहीं मानी है, उनका दोष मिटाने के लिए यह व्रत ज़रूर रखें। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करें, क्योंकि गीता का पाठ करने से सद्बुद्धि मिलती है, सुमति मिलती है और मरने के बाद सदगति भगवान के लोक में जाते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस माम का पांडवा शकिम कुर्वत संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्वाणी तीर्म तीर्म। अर्जुन को मोह में देखकर, अज्ञान में देखकर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान में आज ही के दिन गीता का अमृत पान कराया था। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। जो धर्म पे चलता है, धर्म की रक्षा करता है, जो भगवान की गुरु की शरण लेता है, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान के चरणों में समा जाता है। इसलिए भक्तजनों, आप यह व्रत भी रखें, सुबह को गीता का रोज़ गीता का पाठ करें। आपके घर में जो कठिनाई, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, भ्रम है,
कुछ भी है, लगत है, कुछ भी है, जो भी है, बीमारी है, वो मिट जाती है। बोले सनातन धर्म की जय। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसीलिए मेरा उल्लास टीवी न्यूज की टीम आपको रूबरू करवाती है किसी न किसी योग शिक्षक से या होम रेमेडीज के जानकार से, जो देते हैं आपको स्वस्थ और फिट रहने के टिप्स। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि हम विभिन्न बीमारियों के ऐसे हेल्थ टिप्स आपको बताते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हमारे जो होम रेमेडीज़ के टिप्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, इसीलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और जानें कि विभिन्न बीमारियों का किस तरह से इलाज संभव हो सकता है घरेलू उपचार से। आज हम बात करेंगे मधुमेह की, यानी डायबिटीज़ की। आज दुनिया भर में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। चिंता, तनाव, गुस्सा करना, शारीरिक श्रम कम करना और लोगों की निंदा करना, बार बार उत्तेजित होना और जीवन शैली अनियमित होने से डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ के कारण लोग बहुत परेशान रहते हैं और उन्हें डॉक्टरों का मुंह देखना पड़ता है, इंसुलिन लगाने पड़ते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं ऐसे लोग। तो आज डायबिटीज़ वालों के लिए हम ऐसी अचूक टिप्स बता रहे हैं कि घरेलू इलाज से भी आप डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ का अचूक इलाज है भिंडी। भिंडी सब्जी बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन भिंडी से डायबिटीज़ से मुक्ति पाई जा सकती है। रात को आप एक कटोरा ले लें, उसमें 8-10 भिंडी एक तरफा काट कर यानी चीरा लगाकर उसको पानी में भिगो दें। रात भर उसे भिगो रहने दें और सुबह उठकर खाली पेट वो पानी पी लें। इससे 15 दिनों के अंदर आपको डायबिटीज़ से बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाएगी। रोज़ सुबह खाली पेट वो भिंडी निकाल दीजिए और भिंडी वाला भिगोया हुआ पानी पी लीजिए और जड़ से आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। सब्जी के बाद बारी आती है फल की। आज हम बात करेंगे अमरूद की। अमरूद, जैतून, गवा, जी हाँ, जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। आप रात को एक कटोरी में पानी भर दें और उसमें जैतून के टुकड़े काट कर उसे भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट जैतून निकाल दें और वो पानी पी जाएं। हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट सामने आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी डायबिटीज़ से। अमरूद ही नहीं बल्कि अमरूद के पत्ते भी चमत्कारी होते हैं। अमरूद के पत्ते आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह पानी पी लें। साथ ही साथ आम के पत्ते भी भिगो कर रख दें, सुबह पानी पी लें, तो आपको राहत मिलेगी डायबिटीज़ से। आप रोज़ नियमित रूप से एलोवेरा जूस का सेवन करें तो डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ आप गाजर और पालक का जूस पीते हैं तो वो भी लाभकारी है, और साथ ही साथ आप आंवले और करेले का रस पीते हैं तो वो भी बेहद फायदेमंद है डायबिटीज़ के लिए। शुगर को कंट्रोल करने में जामुन भी आप खा सकते हैं, और केवल जामुन ही नहीं, उसकी गुठली को भी पीसकर आप पाउडर के रूप में खाएंगे तो डायबिटीज़ से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ आप रोज़ एक सेब, एक पपीते का सेवन कर सकते हैं, और हाँ, टमाटर का जूस भी आपके लिए लाभकारी है अगर उसमें करेला मिलाया हुआ हो तो, यानी दोनों के मिश्रण का जूस बनाकर पिएं तो आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत आसानी होगी। जो लोग योगा अभ्यास करते हैं वे अगर नियमित रूप से 10 मिनट अनुलोम विलोम और 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो उनका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहता है। बस खुद को तंदुरुस्त रखना है तो आपको शारीरिक श्रम करना होगा, जॉगिंग करनी होगी, वॉकिंग करनी होगी, योगा अभ्यास करना होगा। इस तरह से आप डायबिटीज जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये थे हमारे हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस के हेल्दी टिप्स। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हेल्दी लाइफ सॉल्यूशन के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।
सिंधी बोली, सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए हमेशा तट पर रहने वाले माधु चेतवानी का है जन्मदिन। तो मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ की टीम और समस्त सिंधी समाज की तरफ से माधु चेतवानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।